किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ, ना सहज है, कुछ नहीं करना, दो ही काम करना है। स्कूल में भी दो ही काम करते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं, है ना। स्कूल में और कुछ नहीं करते, मेहनत करना नहीं, टीवी देखते रहो, खेलते जाओ, पिक्चर किसी दोस्त करने के लिए स्कूल में नहीं जाते। तो ये भी स्कूल दो ही काम, पढ़ना है, मुरली पढ़ना है, तब मुरली का एक शब्द पढ़ना है, लिख के रखना है, अपने आप को इन दूसरों को भी बताते रहो, बस इतना ही करो का, और कुछ नहीं करना है। फिर सवेरे शाम 15 मिनट योग करना है, वो विधि बताऊंगा अभी कैसे योग। बस दो ही काम और कुछ नहीं, और कुछ करना है, किसी को देखते शुभ सोचना है, बाकी कुछ वो सब नहीं होता है, वो सुनने का है, करने का यही, ठीक है, ये करना। और जैसे स्कूल में भी बच्चे को रोज स्कूल में जाना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। खेलने जाओ, टीवी देखने जाओ, दोस्ती करने जाओ, नंबर वन आएंगे नहीं। पढ़ना और स्कूल में जाना, दो ही काम। स्कूल में बैठने के बाद इधर उधर देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे नहीं, ध्यान से सुनते हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, ध्यान से बैठता है, नंबर वन आके बैठता है। यहाँ भी वो भी स्कूल, ये भी स्कूल, ये रूहानी, ये स्कूल में जो पढ़ेंगे आप 21 जन्मों तक गारंटी है, कभी भी दुख दर्द समस्या नहीं होंगी। हाँ देखो, दादा जी कहते हैं कभी फेल ही नहीं होंगे, कभी दुख ही नहीं आएगा। अगर उस स्कूल में जाते हो, एक शरीर एक जन्म, वो भी 10, 12, 15 साल, बीमारी भी आएंगी, पैसे भी कमाओ तो भी शांति नहीं, दुख है, बीमारी है, एक बेकार के लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, पैसा कमाओ इधर गवाओ, है ना। तो वो ऐसी पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई भी चाहिए। पेट जब तक है, पेट को दो रोटी चाहिए, वो काम करना है। और ये असारे कल्प के लिए, सुख भोगने के लिए, कभी दोबारा मेरे जीवन में दुख अशांति न आवे, इतना है। कुछ नहीं करना है, सुनना बहुत उच्च होता है, करना थोड़ा सा है, ठीक है। और आपने कहा पवित्र रहो, शादी करो, हाँ पिताजी को ना नहीं करना, माँ बाप को बोला मैं करूँगी, लेकिन किसके साथ करूँगी, मेरा जीवन का लक्ष्य है। अगर मुझे आप किसी दूसरों के साथ भेजेंगी तो कल क्या दुख आए, तो कौन जिम्मेवार। अगर वो पति ऐसे मिला, आज डाइवर्स दिया, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मुझे आप भेजेंगे तो क्या होगा, क्यों मुझे भेजना, मुझे ऐसे जीवन में रहना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। समझाओ एक दफ़ा, फिर भी अगर आगे जाके बता, शादी भी कर भी दे ज़बरदस्ती, कोई अर्जा नहीं, पति आपके पास है, आपका भाई है, उनको बोलो हमें रोज ये ज्ञान सुनना चाहिए, उनको अपना बनाओ, उनको अपना लक्ष्य सिखाओ, उनको लेके चलो, वो भी हो सकता है, दोनों रास्ते होना चाहिए। अगर कहीं कुछ हुआ तो ये भी रास्ता है, उसमें भी दुखी नहीं होना है, वहां भी मैं जीत पा सकती हूँ, समझा। यहाँ कोशिश करना पूरा, और रोज चलते फिरते घर में बाबा को योग में बैठते हो, बाबा ये आपका बेटा है, आप कहते हो मेरे बनो, और ये कहता है मुझे बाप, माँ बाप कहते हैं रावण का बनो, तो आपने इनको समझाना है, मैं नहीं समझा सकती हूँ, मेरे बच्चे नहीं आपके, इनको सद्बुद्धि दे दो, रोज मन में उनके प्रति शुभ सोचते रहो, बाबा को बताते रहो, सुना, आपका संकल्प पहुंचता है। और वो देखते हैं, ये टीवी देखती नहीं, किसी दोस्ती नहीं करती, किसी से घूमने फिरने नहीं जाती है, ये हमारे घर में देवी आई है, इसको दुख नहीं देना चाहिए, इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हमारे आचरण से माँ बाप का दिल जीत लो, आचरण दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आज टीवी देखते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल में खेलते रहते हैं, कल इनकी बुद्धि भटक जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमारे पीछे। तो माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है, उनकी चिंता सही है, गलत नहीं है। अगर आप अपने आचरण में देखो, कभी किसी से बात नहीं करते हो, किसी टीवी नहीं देखते बैठते हो, किसी मोबाइल से खेलते नहीं हो, घर में सब काम करते हो, एक्यूरेट पढ़ाई करते हो, रोज ध्यान में बैठते हो, देखते हैं रोज ध्यान में, कभी गुस्सा नहीं करती है, कभी गलत शब्द नहीं बोलती है, तो ये देवी आई है हमारे घर में, उनको विश्वास होना चाहिए। समझ में आया, आचरण से सिखाओ, तो माँ बाप कभी फोर्स नहीं करते हैं, हमारे आचरण ठीक नहीं है तो उनको लगता कल इनका क्या होगा, उनकी चिंता, उनको अपनी जिम्मेवारी है ना, ठीक है, ऐसे करना। और बताओ।